यूपी के अमरोहा जनपद के थाना गजरोला इलाके के मदरसे में पढ़ाई कर रहे 10 साल के बच्चे पर जानलेवा हमले का पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने हमला करने के आरोप में मदरसे के ही एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने आपसी गुटबंदी के चलते मासूम की जान लेने की कोशिश की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद के मदरसे में एक बच्चे पर मदरसे में धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके बुरी तरह घायल कर दिया गया था, जिसके बाद उसको गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी और शुरुआती जांच में ही पुलिस को कुछ अहम सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद पुलिस को पता लगा कि मदरसे के बच्चे के ऊपर हमला करने वाला आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसी मदरसे में पढ़ाने वाला उवैस नाम का एक शिक्षक, जिसने मदरसे की आपसी रंजिश के चलते मदरसे के मुफ्ती के सगे भांजे अदनान के ऊपर जानलेवा हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अब पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद आरोपी मदरसे के शिक्षक उवैस में सारी सच्चाई उगल दी है और उसने बताया है कि मदरसे की आपसी रंजिश में उसने मदरसे के मुक्ति के सगे भांजे के ऊपर जानलेवा हमला करके मुक्ति का दिल दुखाने की कोशिश की थी। जी, थाना गजरौला में कल एक मदरसे में एक बच्चे की गर्दन काट कर एक घटना कारित की गई थी, जिसमें कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे मेरठ में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत तुरंत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान मदरसे में हमें कुछ लोगों पर शक हुआ, जिन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ साक्ष्य मिले छानबीन के दौरान, जैसे कि बच्चे घायल बच्चे के खून के डब्बे कहाँ कहाँ गए हैं, किस कमरे तक गए हैं, वो जो चाकू प्रयुक्त हुआ है वो, और जो वहाँ जो अन्य बच्चे थे उनसे पूछताछ में दो युवकों पर शक हुआ, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया। ये दोनों युवकों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि ये मदरसे के आपसी जो राजनीति है, रंजिश है मदरसे में आपसी, उसको लेकर ये हत्या कारित की गई थी। क्योंकि जो बच्चा घायल हुआ है वो मदरसे के मुफ्ती का भांजा है और काफ़ी प्रिय था मुफ्ती साहब को, और इसी को लेकर अन्य जो अध्यापक हैं मदरसे में, उन्होंने जो उवैस नाम का युवक है उसके द्वारा ये हत्या कारित करने का प्रयास किया गया था, जिसमें कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। हत्या कारित करने के बाद उवैस ने इसको डाइवर्ट करने के लिए एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा मदरसे में आकर ये घटना कारित करना बताया और स्वयं उसे अस्पताल लेकर साथ में गया। फिर आया, सभी लोगों को उठाया गया और उसने ही यह जानकारी सभी को दी कि एक व्यक्ति आया था मदरसे में जिसने ये घटना कारित की है। परंतु जो खून के धब्बे थे वहाँ पर और जो चाकू प्रयोग में लिया गया, जो अन्य लोगों के बयान थे, उसके आधार पर इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ने घटना कबूल की है और इनको जेल भेजा जा रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।